लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर अब कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसका भी आज फैसला हो जाएगा। देश की 542 सीटों की काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझान में बीजेपी का गठबंधन एनडीए 298 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन 225 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। राजनीति में कब कौन की मेकअप बन जाए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब आप आंध्र प्रदेश के चंद्राबाबू नायडू को देख लीजिए। 2019 के बाद राजनीतिक हाशिए पर खिसक चुके चंद्राबाबू नायडू अब एनडीए गठबंधन में किंग बेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बहुमत के लिए 272 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना बेहद जरूरी है, लेकिन वही अब तक सामने आए आंकड़ों की बात करें तो भाजपा को केवल 242 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन के जो दल है वो बीजेपी से ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। पिछले दो चुनाव 2024 और 2019 में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार बीजेपी बहुमत से काफी दूर नजर आ रही है। ऐसे में बिहार और आंध्र प्रदेश के दो दल केंद्र में सरकार बनाने के लिए किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। पहले बात आंध्र प्रदेश की करेंगे, जो राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी असरदार साबित हो रही है। कुल 25 लोकसभा सीटों में से तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी के पास 3 सीटें हैं जो वो आगे चल रही है। वहीं जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। बता दें कि चंद्राबाबू नायडू 2014 से 2019 के बीच एनडीए सरकार का हिस्सा थे। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए छोड़ दिया और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में उन्हें कड़ी हार का सामना करना पड़ा। हार के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली और राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा से कुछ ही दिन पहले मार्च 2024 में एनडीए का हिस्सा बन गए। नवंबर 2023 में भ्रष्टाचार के एक मामले में वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा जेल भेजे जाने के 5 साल बाद नायडू चुनाव में मजबूती से उभर रहे हैं। अब बात बिहार की। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग में बीजेपी के पास 17 और जेडीयू के पास 16 सीटें थी। वहीं चिराग पासवान के लोक दल जनशक्ति पार्टी इसके पास 5 सीटें थी। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के पास एक सीटें आई थी इनके खाते में। वहीं रुझानों की बात करें तो जेडीयू 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आगे चल रही है, जबकि भाजपा 12 सीटों पर आगे है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी यानी आर सभी 5 सीटों पर आगे है। वहीं जीतन राम अपनी जो एक सीट उन्हें हासिल हुई है उस पर आगे है और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।